वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं उधर ऊपर 7:15 हो रहे हैं। और एक हमारा जो चिक्स है, चूज़ा है, ये बीमार है, जो दिन को भी आपको बताया था, थोड़ा साइड पे तो ज़्यादा रोशनी लगे। तो ये देखें, ये ठीक नहीं हो रहा, हम इसको खिला रहे हैं। ये थोड़ा सा इसके लिए नीरो बनाया है, बना के इसको ज़रा फीडिंग करवा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये बचेगा। इसके दानिश लगा हुआ है इसको फीड करवाने पे, लेकिन ये है कि ये नहीं बचेगा। बाकी लगे हुए हैं, जितने भी चूजे हमारे हैं वो एक्टिव हैं, ये देखें। लेकिन ये एक है, इसको जो है वो इशू आ रहा है, हमने इसको फीड करवाया थोड़ा, देखते हैं ये ठीक होता है, उम्मीद है। और हमारी जो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ये है कि जिस तरह इसकी पोजीशन है, मुश्किल ही है ये ठीक हो। तो अभी इसको फिटिंग करवा रहे हैं, ये दूध थोड़ा सा बनाया है इसके लिए नीडो का। तो अगर ये बच जाता है, हमारी पूरी कोशिश है बचे, लेकिन ये है कि अगर बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि इसको। बाकी जितने भी हैं वो सारे जो है वो लगे हुए हैं अपनी फिटिंग करने पर और एक्टिव हैं। तो ये कल से ही, जब से हमने लाए थे, ये पर्पल कलर में जितने भी थे थोड़े वो एक्टिव नहीं थे। जब हम ला रहे थे उस वक्त जी दानिश कह रहा था कि ये इतना एक्टिव नहीं है, ये पर्पल कलर के जितने भी, क्योंकि ये हमने जिस जगह से लाए थे उधर जितने भी पर्पल कलर थे वो सारे एक्टिव नहीं थे। लेकिन बहरहाल लकीली दो जो हैं वो सर्वाइव कर गए, और ये एक जो है वो अभी इसका इशू आ रहा है। तो गाइस ये देखें, दानिश इसको फीड करवा रहा है, इससे नहीं होता। हम कहीं से ला रहे हैं सरेंज, हमें मिल जाए तो उससे भी ट्राई करते हैं कि इसको जो है फीड करवाएं। अपनी तरफ से हमारी फुल कोशिश है कि इसको जो है वो हम बचा लें किसी न किसी तरह। तो देखें क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो चलें, ये एक क्विक अपडेट थी, मैंने सोचा आपको दे दूं। तो हम अपनी फुल कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं अगर ये बचा है, तो अगर ना बचा तो भी आपको अपडेट देंगे। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।